आज हम सूजी और कच्चे चावल से बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने ढेर सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एआर किचन में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस नाश्ते की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा कप कच्चा चावल लेंगे। मैंने चावल को 2 से 3 बार अच्छी तरह से पानी से धुलकर इसे 2 से 3 घंटे के लिए सूख करके रख दिया था, जिससे कि चावल हमारा अच्छी तरह से फूल चुका है। अब इसके अंदर के पानी को निकाल देंगे और निकाल कर इसे मिक्सर जार में डाल देंगे। चावल को मिक्सर जार में डालने के बाद अब इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक के टुकड़े को रफली चॉप करके डालेंगे, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। अब इसमें हम 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद अब इसका ढक्कन लगाकर मैं ही पीस कर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर चावल को मैंने बारीक पीस कर तैयार कर लिया है। हमें ठीक इसी तरह चावल को बारीक पीस लेना है। अब इसे एक बड़े मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मिक्सर जार में थोड़े से चावल के पेस्ट लगे हुए थे, उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डालकर खंगाल कर मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप सूजी। यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। आप बारीक वाली या मोटी वाली किसी भी तरह की सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप बेसन। बेसन डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप दही। दही से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। दही डालने के बाद अब इसमें हम पानी डालेंगे। एक बार में हम सारा पानी नहीं डालेंगे, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एक बार में सारा पानी डालने की वजह से इसमें गुठलियाँ या रंस पड़ जाएंगे। पानी डालने के बाद अब इसे हम स्पून की सहायता से मिलाएंगे। बेटर अभी काफ़ी गाढ़ा लग रहा है, इसलिए इसमें हम थोड़ा और पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। बेटर को हमें ना ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है, इसे हमें मीडियम थिकनेस रखना है। तो यहाँ पर हमारा बेटर बन के रेडी हो गया है। अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि सूजी और बेसन अच्छी तरह से सेट हो जाए। 10 मिनट बाद ढक्कन हटाकर बेटर को चेक करेंगे। सूजी जो है पहले से काफ़ी फूल चुकी है। आप देख सकते हैं कि हमारा बेटर जो है पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। हमें बेटर की कंसिस्टेंसी ऐसी ही चाहिए। नाश्ते को हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए अब इसमें कुछ सब्जियाँ डालेंगे। यहाँ पर मैंने डाला है 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर, साथ ही डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, 1 गाजर को कद्दूकस करके डालेंगे, बारीक कटी हुई ताजी धनिया पत्ती डालेंगे। अब इसे स्पून की सहायता से अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहें तो सब्जियों की क्वांटिटी घटा या बढ़ा भी सकते हैं। फ्रेंड्स, इस नाश्ते की रेसिपी को आप चाहें तो बच्चों को टिफिन में भी बनाकर दे सकते हैं या शाम के हल्के फुल्के भूख लगने पर भी बनाकर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्जियों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। 1 छोटा चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, साथ ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। कलर के लिए डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, साथ ही डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच डालेंगे ओरिगानो। नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए अब इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू ना हो तो अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी नाश्ता जो है बहुत ही टेस्टी बनता है। सारे मसाले और नींबू के रस को डालने के बाद अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। 1/2 छोटा चम्मच डालेंगे साबुत जीरा। मैं पहले साबुत जीरा डालना भूल गई थी। जीरा डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाएंगी तब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए इसके ऊपर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच पानी। पानी डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। बेकिंग सोडा डालने की वजह से हमारा नाश्ता जो है सॉफ्ट और फूला फूला बनेगा। जब बेकिंग सोडा बेटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम बेटर को ज़्यादा नहीं फेंटेंगे, इससे हम तुरंत ही नाश्ता बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा बेटर रेडी है नाश्ता बनाने के लिए। अब चलते हैं गैस की तरफ। नाश्ता बनाने के लिए तवा को हल्का गर्म करेंगे। अब इस पर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल को हम तवे पर अच्छी तरह से फैला लेंगे। बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता हमारा बनके रेडी हो जाता है। आप चाहें तो इसे बिना तेल के भी बना सकते हैं, ये तवे पर बिल्कुल भी नहीं चिपकता है।
तेल को अच्छी तरह से फैलाने के बाद अब इसके ऊपर सफ़ेद तिल डाल देंगे। सफ़ेद तिल को हम चारों तरफ फैलाते हुए डालेंगे। सफ़ेद तिल फैलाने के बाद अब क्या करेंगे, स्पून की सहायता से तवे के सेंटर में बैटर डालेंगे और इसे हम स्पून की सहायता से हल्का फैला लेंगे। नाश्ते को हम स्पून की सहायता से चारों तरफ से बराबर कर लेंगे। नाश्ते को हम ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे, इसे हम मीडियम थिकनेस में रखेंगे। अच्छी तरह से फैलाने के बाद अब इसे हम ढक देंगे और ढक कर इसे हम मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच में जब नाश्ते को पकाते हुए 1 मिनट बीत जाएंगे तब ढक्कन हटा के इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सफ़ेद तिल से स्प्रिंकल कर देंगे और इसे ढक कर दोबारा 1 मिनट के लिए पकाएंगे। 1 मिनट बीत जाने के बाद ढक्कन हटाकर देखेंगे तो हमारे नाश्ते का ऊपर साइड का जो सरफेस है ड्राई हो चुका है। अब इसे हम क्या करेंगे, इस स्पैचुला की सहायता से पलट लेंगे। अब इसे पलटने के बाद ढककर दूसरी साइड से भी हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। 1 से 1.5 मिनट बीत जाने के बाद अब इसे इस स्पैचुला की सहायता से मैंने पलट लिया है। मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर उलट पुलट कर प्रेस करते हुए अच्छा कलर आने तक दोनों तरफ से पका लेंगे। हमारा नाश्ता दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे नाश्ते को नाइफ की सहायता से कटिंग करके तैयार कर लिया है। अब इसे आप अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके हमारा तैयार हो गया है। एक बार इसे आप मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।